दो मेथड है, एक है वॉइड एडिशन मेथड, एक है वॉइड सब्ट्रैक्शन मेथड। तो अभी इस पर्टिकुलर सब्ट्रैक्शन मेथड को अगर मुझे स्टैटिक बनाना है तो मैंने स्टैटिक करके कीवर्ड दे दिया, तो ये वॉइड सब्ट्रैक्शन मेथड बन गया। एम आई राइट एवरीवन? सो हमने लास्ट लेक्चर में गाइज ये डिस्कस किया था कि हम मेथड के डेफिनेशन को देख के ये नहीं बता सकते कि मेथड स्टैटिक है कि नॉन स्टैटिक है। करेक्ट, मेथड स्टैटिक या फिर नॉन स्टैटिक आपके डिक्लेरेशन पार्ट पे ही समझेगा। एम आई राइट एवरीवन? यस और नो? सो गाइज ये जो वॉइड सब्ट्रैक्शन मेथड है ये मेथड स्टैटिक है, तो ये स्टैटिक मेथड का डिक्लेरेशन है कि डेफिनेशन है? द सिलेक्टेड पोर्शन ये क्या है? डिक्लेरेशन डिक्लेरेशन है। तो ये कहाँ पर स्टोर हो जाएगा? इट विल बी स्टोर्ड अंडर द स्टैटिक स्टैटिक पोल पोल। एरिया। एम आई राइट एवरीवन? ये आपके स्टैटिक पोल एरिया में स्टोर हो जाएगा, स्टैटिक वॉइड सब्ट्रैक्शन मेथड। हिप एरिया में आपका बेसिकली क्या हो स्टोर होगा? आपके नॉन स्टैटिक मेथड का डिक्लेरेशन, ये आपका हिप एरिया के अंडर स्टोर हो जाएगा। एम आई राइट? एम आई राइट एवरीवन? नाउ जो मेथड एरिया है ये आपके मेथड के बॉडी को कंटेन करेगा, भले वो मेथड स्टैटिक हो भले वो नॉन स्टैटिक हो। स्टैटिक एज वेल एज नॉन स्टैटिक मेथड का डेफिनेशन, स्टैटिक एज वेल एज नॉन स्टैटिक मेथड का डेफिनेशन गाइस कहाँ पर स्टोर रहेगा? इट विल बी स्टोर्ड अंडर द मेथड एरिया। करेक्ट करेक्ट एवरीवन? सो जस्ट हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, जस्ट अ काइंड ऑफ डिफरेंशिएशन करने के लिए। ओके, एंड लेट मी ऐड वन मोर मेथड का डेफिनेशन। गाइस मैं यहाँ पर एक और मेथड का डेफिनेशन ऐड कर देता हूँ, जिसमें कि मैं इस वाले सब्ट्रैक्शन मेथड को सिंपली आई विल पेस्ट इट हियर। सो हियर यू कैन सी गाइस मेरे पास कुछ एडिशन मेथड है, मेरे पास कुछ सब्ट्रैक्शन मेथड है। करेक्ट, सो एडिशन मेथड में गाइस सो गाइस यहाँ पर हमने मेथड का डेफिनेशन लिख दिया है, राइट? मेथड का डेफिनेशन हमने ऐड कर दिया है। एक है हमारे पास स्टैटिक मेथड, एक है हमारे पास नॉन स्टैटिक मेथड। करेक्ट, वन इज आर स्टैटिक मेथड, वन इज आर नॉन स्टैटिक मेथड। तो स्टैटिक मेथड का डिक्लेरेशन, स्टैटिक मेथड का डिक्लेरेशन स्टैटिक पूल एरिया में स्टोर रहेगा, नॉन स्टैटिक मेथड का डिक्लेरेशन हिप एरिया के अंडर स्टोर रहेगा। बट दोनों मेथड, भले वो स्टैटिक हो भले वो नॉन स्टैटिक हो, जितने भी मेथड हो आपके गई सिंपली आपके क्लास के अंडर, सारे के सारे आपके मेथड एरिया के अंडर स्टोर होंगे। नाउ गाइस अगर अगर आप मुझे एक बात बताओ कि अगर मुझे मेथड को कॉल करना है एग्जीक्यूट करने के लिए, तो इन मेथड को मुझे कहाँ पर कॉल करना पड़ेगा? अंडर द मेन मेथड। एम आई राइट गाइस? यस और नो? यस। मुझे मेन मेथड के अंडर कॉल करना पड़ेगा। मुझे अगर ये सब्ट्रैक्शन मेथड को कॉल करना है तो सब्ट्रैक्शन मेथड का सब्ट्रैक्शन मेथड स्टैटिक टाइप की है, तो स्टैटिक टाइप के मेथड को कॉल कैसे करते हैं गाइस हम लोग? हाउ एग्जैक्टली वी कॉल इट? सो लेट्स से अगर मेरा क्लास का नेम है डेमो, तो स्टैटिक मेथड को मैं कैसे कॉल करूंगा? हाउ एग्जैक्टली आई एम गोइंग टू कॉल इट? अगर मेरे क्लास का नेम है डेमो, लेट्स से गाइस मैं यहाँ पर सिंपली यहाँ पर मैं एक क्लास डेमो करके बनाता हूँ। दिस इज माई डेमो क्लास एवरीवन, ये मेरा डेमो क्लास है। तो अगर मेरे क्लास का रेफरेंस डेमो है, इस डेमो की गाइस सब्ट्रैक्शन नॉन स्टैटिक मेथड है, तो इसके क्लास रेफरेंस है डेमो डॉट सब्ट्रैक्शन। इसी तरीके से मुझे सब्ट्रैक्शन मेथड को कॉल करना है। एम आई राइट एवरीवन? ये सुनो, डेमो डॉट सब्ट्रैक्शन इसी तरीके से कॉल करना है। एम आई राइट एवरीवन? गाइस मेक यस सेंस और नॉट? सो जब मैं डेमो डॉट सब्ट्रैक्शन को कॉल करूंगा, तो मेथड एग्जीक्यूट होने के लिए आपके मेथड का डिक्लेरेशन एज वेल एज डेफिनेशन दोनों चीजों की जरूरत है कि नहीं है? ये सुनो, यस। सो स्टैटिक पुल एरिया ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन में मेरे मेथड का जो स्टैटिक मेथड है, इस स्टैटिक मेथड का डिक्लेरेशन पार्ट यहां पर है। और गाइस मेरा जो स्टैटिक मेथड है उसका डेफिनेशन पार्ट कहाँ पर स्टोर है? डेफिनेशन पार्ट आपका मेथड एरिया में स्टोर है। एम आई राइट? यस और नो एवरीवन?
स्टैटिक मेथड का पार्ट आपका स्टैटिक पूल एरिया में स्टोर है, मेथड एरिया का गाइस पार्ट आपका सॉरी आपके मेथड का डेफिनेशन मेथड एरिया में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर आपका अगर देखने जाएंगे तो ये जो मेथड का डेफिनेशन है और मेथड का डिक्लेरेशन है ये दोनों बाइंड होंगे, एम आई राइट एवरीवन? ये दोनों बाइंड होंगे एक दूसरे से कि नहीं? ये सुनो, सो ये एक दूसरे से बाइंड होंगे और ये जो बाइंडिंग होता है गाइस, ये जो बाइंडिंग होता है, ये बाइंडिंग होता है एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन। ये बाइंडिंग कौन से टाइम पे होता है, ये बाइंडिंग कौन से एनवायरनमेंट पे होता है गाइस? बाइंडिंग होता है कंपाइलेशन पे। अच्छा आपको याद होगा मैंने आपको कंपाइल टाइम रन टाइम ऐसा कुछ बताया था गाइस, प्रोग्राम को कंपाइल करना होता है, कंपाइलर टूल देखा था हमने, याद है? क्या करता है कंपाइलर टूल, व्हाट इज द यूज ऑफ कंपाइलर टूल? कंपाइलर का काम क्या है गाइस? ह्यूमन लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ऐसा कुछ देखा था हमने, याद आ रहा है? भूल गए कंपाइलर गाइस एवरीवन। सो जब प्रोग्राम कंपाइल होता है प्रोग्राम में प्रोग्रामेटिक मिस्टेक्स, कोई सिंटैक्चुअल एरर्स, ये सारी चीजें देखी जाती है। तो जब प्रोग्राम कंपाइल होता है कंपाइलेशन टाइम पे गाइस, प्रोग्राम रन नहीं हो रहा है, प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है, मतलब डॉट जावा फाइल से डॉट क्लास फाइल प्रोड्यूस हो रही है, एम आई राइट एवरीवन? यस और नो? यस। डॉट जावा से डॉट क्लास फाइल प्रोड्यूस हो रही है तभी गाइस आपके स्टैटिक पुल एरिया का और मेथड एरिया का एक दूसरे से बाइंडिंग होता है। ये बाइंडिंग कौन से टाइम पे होता है, ये बाइंडिंग कौन से टाइम पे होता है गाइस? बाइंडिंग का कब होता है? कंपाइल टाइम पे होता है। ये बाइंडिंग बेसिकली टेक्स प्लेस एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन, दिस बाइंडिंग टेक्स प्लेस एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन। अच्छा मुझे आप एक बात बताओ, ये जो डेमो है ये क्या है, व्हाट इज दिस डेमो? क्लास है? और मुझे आप बताओ क्लास कंपाइल होता है कि नहीं होता है? आपका क्लास कंपाइल होता है ना? यस और नो? यस। एवरीवन एवरीथिंग व्हिच इज इनसाइड द क्लास दैट इज गोइंग टू गेट कंपाइल्ड। तो अगर आपका क्लास कंपाइल होगा तो आपका जो मेथड है, मेथड एरिया एंड स्टैटिक पुल एरिया, ये दोनों चीजें बाइंड होगी कौन से टाइम पे? ये कौन से टाइम पे बाइंड होगी गाइस? ये बाइंड होगी कंपाइल टाइम पे, कंपाइलेशन पे, कंपाइल टाइम पे बाइंडिंग होगा गाइस। कंपाइल टाइम बाइंडिंग आप इसको बोलोगे, दिस इज योर कंपाइल टाइम बाइंडिंग। तो कंपाइल टाइम बाइंडिंग कौन सा होता है? द बाइंडिंग which takes place at the time of compilation or the binding in which static pool area and a method area gets binded, that particular binding is known as compile time binding. Am I clear? Everyone? Clear ho raha hai ki nahi? Yes, yes. Your static pool area and a method area gets binded at the time of compilation. That is the reason it is called as a compile time binding. Am I clear? Am I clear everyone? Yes. सब लोगों को clear है ये concept? आपका static pool area and आपका guys static pool area and आपका method area ये bind होता है कौन से time पे bind होता है? ये bind होता है आपका at the time of compilation, that is the reason हम इसको compile time, guys everyone we are going to call it as a compile time binding. हम लोग इसको compile time binding क्यों बोलते हैं ये समझा क्या guys? Everyone, compile time binding में क्या होता है ये समझ रहा है सबको? Your static pool area, क्यों static pool area guys? क्योंकि static method का declaration कहाँ पर present है? It is present under स्टैटिक पुल एरिया का डिक्लेरेशन गाइस, स्टैटिक पुल एरिया का डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन पार्ट कहाँ पर स्टोर है? स्टैटिक पुल एरिया के अंदर है एवरीवन, स्टैटिक पुल एरिया के अंदर है। और स्टैटिक मेथड का डेफिनेशन कौन से एरिया के अंदर है? डेफिनेशन मेथड एरिया के अंदर है। तो योर मेथड एरिया एंड योर स्टैटिक पुल एरिया गेट्स बाइंडेड एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन, दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड एज अ कंपाइल टाइम बाइंडिंग। एम आई क्लियर एवरीवन? ये कंपाइल टाइम पे ही डिसाइड होता है कि मेथड का स्टैटिक पुल एरिया के अंडर जो मेथड डिक्लेरेशन है और मेथड एरिया के अंडर जो डेफिनेशन है ये बाइंड कब होता है गाइस? एट द टाइम ऑफ कंपाइल टाइम।
compile time everyone. At the time of compilation पे ही आपके method का declaration और definition एक दूसरे से bind हो गया है. Program run भी नहीं हुआ but ये bind हो गया है. समझा सबको everyone? Yes or no? Everyone make sense or not? Make sense or not? Now guys, one more thing. आपका आपको नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल करना है अंडर द मेन मेथड. नॉन स्टैटिक मेथड को कैसे कॉल किया जाता है? हाउ वी आर गोइंग टू कॉल द नॉन स्टैटिक मेथड? ऑब्जेक्ट क्रिएट, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा. और ऑब्जेक्ट क्या होता है? इट इज अ कॉपी ऑफ क्लास. एम आई राइट एवरीवन? ये आपके क्लास का कॉपी होता है कि नहीं? यस और नो? सो गाइस हियर मैंने डेमो लेट्स से डी या फिर डी ऑब्जेक्ट ऐसा कुछ मैंने गाइस यहाँ पर डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया. एम आई राइट एवरीवन? करेक्ट है ये कि नहीं? नाउ गाइस ये जो डी ऑब्जेक्ट है डी ऑब्जेक्ट डॉट गाइस सिंपली डी ऑब्जेक्ट डॉट मैं एडिशन मेथड को कॉल करूंगा. एम आई राइट गाइस हियर और नॉट? करेक्ट कर रहा हूं मैं कि नहीं? ये सुनो. सो गाइज यहां पर मैंने डेमो ऑब्जेक्ट बना. डेमो ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने एडिशन मेथड को कॉल किया. तो ये जो ऑब्जेक्ट बनता है गाइज ऑब्जेक्ट कंपाइलेशन टाइम पे नहीं बनता है. ऑब्जेक्ट आपका रन टाइम पे बनता है. ओके ऑब्जेक्ट आपका रन टाइम पे बनता है क्योंकि गाइज जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं हमें कौन से कीवर्ड की जरूरत होती है? न्यू कीवर्ड की जरूरत होती है. और न्यू कीवर्ड यूज करते हैं तब एटलीस्ट एक कंस्ट्रक्टर इन्वोक होता है कि नहीं होता है? राइट एवरीवन? तो कंस्ट्रक्टर इन्वोक हो गया और जो आपका डेमो क्लास है डेमो क्लास का एक कॉपी बनेगा जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं. और ये जो ऑब्जेक्ट बनेगा ये हमने डी ऑब्जेक्ट नाम के ऑब्जेक्ट रेफरेंस में स्टोर किया. एम आई करेक्ट एवरीवन? नाउ ये डी ऑब्जेक्ट डॉट एडिशन को जब मैं कॉल करूंगा तो ये एडिशन मेथड कॉल होने के लिए सिर्फ डिक्लेरेशन की जरूरत है कि सिर्फ डेफिनेशन की जरूरत है कि दोनों की जरूरत है आपको? दोनों की जरूरत है. तो गाइस जब आपका डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन बाइंड होने वाला है तो आप मुझे एक बात क्लियर करो आपके नॉन स्टैटिक मेथड का डिक्लेरेशन कहां पर है? डिक्लेरेशन गाइस आई एम नॉट आस्किंग अबाउट डेफिनेशन. डिक्लेरेशन कहां पर है? हीप एरिया में है. और डेफिनेशन कहां पर है? डेफिनेशन में आपका मेथड एरिया के अंडर है. करेक्ट? तो अभी आपका हिप एरिया और मेथड एरिया बाइंड होंगे. एम आई करेक्ट एवरीवन? ये सुनो आपका हिप एरिया और आपका मेथड एरिया एक दूसरे से बाइंड होगा कि नहीं होगा? ये सुनो ये आपका हिप एरिया और मेथड एरिया एक दूसरे से बाइंड हो रहा है बट ये बाइंडिंग कंपाइल टाइम पे नहीं होती. ये बाइंडिंग कौन से टाइम पे होती गाइस? इट टेक्स प्लेस एट द टाइम ऑफ रन टाइम. तो इसको रन टाइम बाइंडिंग बोलते हैं. इसको बोलते हैं रन टाइम बाइंडिंग. क्यों? क्योंकि जब आपका ऑब्जेक्ट बनता है ऑब्जेक्ट रन टाइम पे बनता है. आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होता है तब ऑब्जेक्ट बनता है. न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट बनता है और ऑब्जेक्ट बनने के बाद आपका हिप एरिया और आपका मेथड एरिया बाइंड होगा. स्टैटिक पुल एरिया और मेथड एरिया बाइंड कब होता है? स्टैटिक पुल एरिया और मेथड एरिया ये बाइंड कब होता है? ये रन होते टाइम होता है कि कंपाइल टाइम पे होता है गाइस? कंपाइलेशन. ये कंपाइलेशन टाइम पे होता है बट आपका हिप एरिया के अंडर जो नॉन स्टैटिक मेथड का डिक्लेरेशन है एंड आपका मेथड एरिया जहां पर आपके नॉन स्टैटिक मेथड का डेफिनेशन है दीस टू विल टेक प्लेस और दीस विल गेट बाइंडेड एट द टाइम ऑफ रन टाइम. दैट इज द रीजन हम इसको रन टाइम बाइंडिंग बोलते हैं. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइस? कोई कंफ्यूजन किसी को कोई कंफ्यूजन? तो गाइस स्टैटिक मेथड को स्टैटिक तरीके से क्लास रेफरेंस से कॉल करते हैं तो एग्जैक्टली मेमोरी के अंडर क्या हो रहा है ये समझ रहा है क्या आपको? योर स्टैटिक पुल एरिया एंड मेथड एरिया इज गेटिंग बाइंडेड एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन. आपने प्रोग्राम एग्जीक्यूट भी नहीं किया फिर भी वो बाइंड हो रहा है. यू आर गेटिंग इट और नॉट? यस और नो?
गाइस अंडरस्टैंडिंग आ रही है इस पे कि नहीं? बट आपका हिप एरिया एंड आपका मेथड एरिया, जिसमें हिप एरिया में आपके नॉन स्टैटिक मेथड का डिक्लेरेशन है और मेथड एरिया के अंडर डेफिनेशन है, तो दीज टू एरियाज आर गेटिंग, आई मीन दीज आर गोइंग टू गेट बाइंडेड एट द टाइम ऑफ रन टाइम. दैट इज द रीजन यू आर गोइंग टू कॉल इट एज अ रन टाइम बाइंडिंग. दोनों में कन्फ्यूजन क्लियर सबको? गाइस कोई कन्फ्यूजन? कोई कन्फ्यूजन किसी का? रन टाइम बाइंडिंग और यस डेमो सब्स्ट्रैक्शन का थोड़ा एक बार रिपीट कैसे होगा? डेमो क्या है हमारा? हम स्टैटिक मेथड को कॉल कैसे करते हैं? हाउ एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू कॉल द स्टैटिक मेथड्स? स्टैटिक प्रॉपर्टी को कॉल करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है कि क्लास रेफरेंस कॉल करना पड़ता है? नहीं, स्टैटिक मेथड के लिए हमें स्टैटिक मेथड के लिए हमें क्लास रेफरेंस की जरूरत पड़ती है. तो जैसे फॉर एग्जांपल ये जो पर्टिकुलर मेथड्स है, जो मैंने मेथड्स बनाए हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन, इनका क्लास है डेमो. ये डेमो क्लास का प्रॉपर्टी है. तो अगर मुझे स्टैटिक मेथड को कॉल करना है तो मुझे क्लास रेफरेंस का यूज करना है, जो कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ. दिस वन डेमो डॉट सब्ट्रैक्शन, गेटिंग इट? ये मेरा क्लास नेम है. क्लास नेम डॉट मैं स्टैटिक प्रॉपर्टी को कॉल करूंगा, स्टैटिक मेथड को कॉल करूंगा. तो जब मैं क्लास रेफरेंस यूज कर रहा हूँ, क्लास रेफरेंस डॉट मेथड को कॉल कर रहा हूँ, तो इस पर्टिकुलर लाइन को पता है क्लास रेफरेंस के थ्रू मेथड को कॉल कर रहे हैं, मतलब कि ये स्टैटिक मेथड है. तो ये जो स्टैटिक मेथड है, इसका डिक्लेरेशन प्रेजेंट है स्टैटिक पूल एरिया में, जो कि स्टैटिक वॉइड सब्ट्रैक्शन है, राइट? और इस मेथड का डेफिनेशन मेथड एरिया के अंडर, जो ये रहा आपका डेफिनेशन. सो योर स्टैटिक पूल एरिया एंड अ मेथड एरिया गेट्स बाइंडेड एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन. कंपाइलर जब प्रोग्राम को कंपाइल करता है, डॉट जावा फाइल को डॉट क्लास फाइल में जब कन्वर्ट किया जाता है, जो कंपाइलर करता है, उसी टाइम पे इसका बाइंडिंग हो जाता है. दिस बाइंडिंग इज गोइंग टू टेक प्लेस एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन. सिंपल एज दैट. ओके, क्लियर? वेर एज ये जो सेकेंड वाला है, ये सेकेंड वाला लाइन हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट रन टाइम पे रन होता है, मतलब ये रन टाइम पे होता है. सिंपली आई विल टेल यू हियर कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर एक जैसे हमने एक मेथड ओवरराइडिंग ये कॉन्सेप्ट किया था. जैसे अभी ए क्लास की प्रॉपर्टी को हमने बी में एक्वायर किया था, करेक्ट? नाउ अगर आप देखोगे तो जैसे मुझे डिवीजन मेथड को कॉल करना था, तो डिवीजन मेथड को अगर मुझे ए क्लास से कॉल करना था, तो मैंने यहाँ पर ए ऑब्जेक्ट नहीं यूज़ किया है. व्हाट आई एम यूजिंग ए डॉट मेथड नेम. तो ए क्या है? ए मेरा क्लास नेम है, एम आई राइट? करेक्ट? हियर ए इज माई क्लास नेम. सिमिलरली अगर मुझे बी से कॉल करना है, तो बी क्लास का रेफरेंस बी डॉट डिविजन. सो यहाँ पर मैं स्टैटिक तरीके से स्टैटिक प्रॉपर्टी को कॉल कर रहा हूँ. और नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए मुझे किसकी ज़रूरत थी? पहले तो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट के बाद मैंने इन नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल किया यहाँ पर, करेक्ट? करेक्ट. सो ये जो है, ये वाला जो पार्ट है, ये जो मेथड को मैं कॉल कर रहा हूँ, ये एडिशन मेथड रहा. तो ये जो एडिशन मेथड है, एडिशन मेथड का डिक्लेरेशन ये रहा एडिशन मेथड का डिक्लेरेशन, करेक्ट? करेक्ट. ये कौन सा मेथड है? स्टैटिक है कि नॉन स्टैटिक है? नॉन स्टैटिक है. तो नॉन स्टैटिक मेथड का डिक्लेरेशन कहाँ पर स्टोर रहेगा? हिप एरिया में रहेगा कि स्टैटिक एरिया में रहेगा? स्टैटिक पुल एरिया में रहेगा, हिप एरिया में रहेगा. तो ये आपके मेथड का डिक्लेरेशन, और ये रहा आपके मेथड का डेफिनेशन. तो ये डिक्लेरेशन और डेफिनेशन, डेफिनेशन आपका मेथड एरिया के अंडर है, तो ये डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन इज गोइंग टू गेट बाइंडेड एट द टाइम ऑफ रन टाइम. गेटिंग इट सर? रिकॉर्डिंग चालू है ऑलरेडी. सो आपका स्टैटिक मेथड का, सॉरी, आपके नॉन स्टैटिक मेथड का डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन इज गोइंग टू गेट बाइंडेड एट द टाइम ऑफ रन टाइम. वो रन टाइम पे बाइंड हो जाएगा. यू गॉट इट एवरीवन? Whereas आपका जो स्टैटिक मेथड है, ये स्टैटिक मेथड आपका कंपाइलेशन पे बाइंड होगा. जैसे देखो, अब पहले कंपाइलेशन आएगा कि रन टाइम आएगा? पहले कौन आएगा? कंपाइलेशन आएगा. सो फॉर एग्जांपल गाइस, मैं यहाँ पर टेस्ट मेथड में मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर लेट्स से आर्ग्यूमेंट ऐड कर देता हूँ इंटीजर ए.
तो अगर मैंने ये आर्ग्यूमेंट ऐड कर दिया, ये वाला टेस्ट वाला, सॉरी यहाँ पर मैं आर्ग्यूमेंट हटा देता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर टेस्ट को कॉल, ये डिवीजन वाले मेथड को आर्ग्यूमेंट ऐड करता हूँ, लेट्स से इंटीजर ए करके मैं आर्ग्यूमेंट ऐड करता हूँ, तो द मोमेंट मैंने यहाँ पर डिवीजन, ओके ये भी वर्क नहीं करेगा, जस्ट अ मिनट। सो एक काम करता हूँ मैं, व्हाट आई एम डूइंग, मैं यहाँ से कर्ली ब्रैकेट हटा देता हूँ। द मोमेंट मैंने यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट हटा दिया तो ये मुझे एरर दे रहा है, करेक्ट? ये सुनो, ये एरर कंपाइल टाइम पे आ रहा है कि रन टाइम पे आ रहा है मुझे? ये मुझे कंपाइल टाइम पे आ रहा है। सो ये आपका प्रोग्राम रन होने से पहले का पार्ट है, ये कंपाइलेशन एरर है। सो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर रिटर्न टाइप, अगर इस पर्टिकुलर मेथड का रिटर्न टाइप, लेट्स से मैंने यहाँ पर रिटर्न टाइप, ओके लेट्स से मैं स्टैटिक कीवर्ड में स्पेलिंग मिस्टेक कर देता हूँ, अगर मैंने यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, इसको कंपाइलर आइडेंटिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये सुनो एवरी वन, यस दिस वन इज, आई मीन कंपाइलर इज आइडेंटिफाइंग दिस थिंग। तो ये जो आपका मेथड का डिक्लेरेशन है, स्टैटिक मेथड का डिक्लेरेशन एंड आपके स्टैटिक मेथड का डेफिनेशन, ये दोनों चीज़ें, डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन इज गोइंग टू गेट बाइंडेड, ये दोनों चीज़ें आपकी बाइंड हो जाएगी एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन। ये सारा का सारा पार्ट आपका कंपाइलेशन पे ही बाइंड हो जाएगा। कंपाइल हो गाइस, आपका प्रोग्राम जब कंपाइल होता है, डॉट जावा फाइल जब डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट होता है, उसी टाइम पे आपके डिक्लेरेशन और डेफिनेशन दोनों चीज़ें एक दूसरे से बाइंड हो गई है। ये क्लियर सबको? ये क्लियर गाइस? ये सुनो, नाउ नाउ दूसरा गाइस, जब हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट रन टाइम पे बनता है, ऑब्जेक्ट बनने के बाद आपका जो नॉन स्टैटिक मेथड है उसका डिक्लेरेशन, ये रहा आपके नॉन स्टैटिक मेथड का डिक्लेरेशन और ये रहा आपके नॉन स्टैटिक मेथड का डेफिनेशन। नॉन स्टैटिक मेथड का डिक्लेरेशन कहाँ पर स्टोर रहेगा? अंडर द हीप एरिया। और नॉन स्टैटिक मेथड का डेफिनेशन, दोनों का भी, स्टैटिक हो नॉन स्टैटिक हो, उनका डेफिनेशन मेथड एरिया में स्टोर होने वाला है। तो आपका हीप एरिया और मेथड एरिया इज गोइंग टू गेट बाइंडेड नॉट एट कंपाइल टाइम, दिस इज गोइंग टू गेट बाइंडेड एट द टाइम ऑफ रन टाइम, आफ्टर क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट। आपने जब ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट के बाद ये बाइंड होगा। अगर गलती से मैंने ऑब्जेक्ट बाद में बनाया, मैंने ऑब्जेक्ट बाद में बनाया और पहले इसको बाइंड कर दिया, तो इस बी ऑब्जेक्ट का मीनिंग पता है क्या कंपाइलर को? नहीं। दिस विल गिव यू द एरर, दिस विल गिव यू द एरर। तो आपका कंपाइलेशन पहले होना, सॉरी आप पहले ऑब्जेक्ट बनाओगे और ऑब्जेक्ट के थ्रू, ऑब्जेक्ट रेफरेंस के थ्रू आप नॉन स्टैटिक मेथड को जब कॉल करोगे, जो भी नॉन स्टैटिक मेथड हो, तो नॉन स्टैटिक मेथड का डिक्लेरेशन कंपाइलर कहाँ पर ढूंढेगा? हीप एरिया में ढूंढेगा। यस और नो? नॉन स्टैटिक मेथड का डिक्लेरेशन, एवरीवन, यस नॉन स्टैटिक मेथड का डिक्लेरेशन हीप एरिया में ढूंढा जाएगा और डेफिनेशन कहाँ पर ढूंढा जाएगा रिस्पेक्टिव मेथड का? मेथड एरिया में ढूंढा जाएगा। ये दोनों चीजों का बाइंडिंग कब होगा? एट द टाइम ऑफ रन टाइम, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जब होगा, रन जब आपका प्रोग्राम हो रहा होगा, डायनामिकली आपका प्रोग्राम जब रन हो रहा होगा, तब आपका हीप एरिया और मेथड एरिया एक दूसरे से बाइंड होगा, इसको बोला जाता है रन टाइम बाइंडिंग। कन्फ्यूजन क्लियर एवरी वन? कन्फ्यूजन क्लियर है कि नहीं गाइस? यस एवरी वन, कोई कन्फ्यूजन है तो बता दो अभी, किसी को भी कोई कंफ्यूजन है तो। सो आर गाइस, आर आई मीन स्टैटिक पुल एरिया एंड द मेथड एरिया, दीज एरियाज आर गोइंग टू गेट बाइंडेड एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन, इसीलिए हम लोग उसको कंपाइल टाइम बाइंडिंग बोलते हैं। हिप एरिया एंड मेथड एरिया इज गोइंग टू गेट बाइंडेड एट द टाइम ऑफ रन टाइम, इसीलिए हम लोग इसको रन टाइम बाइंडिंग बोलेंगे। सो कंपाइल टाइम बाइंडिंग और रन टाइम बाइंडिंग दोनों अलग अलग टाइम पे हो रही है। तो गाइस अगर आप देखोगे मेथड, तो मेथड ही है ना गाइस? यस और नो? मेथड का डेफिनेशन, मतलब इन शॉर्ट गाइस, मेथड का मीनिंग चेंज हो रहा है क्या? भले वो स्टैटिक हो, भले वो नॉन स्टैटिक हो, मेथड का मीनिंग चेंज हो रहा है क्या? स्टैटिक जैसे काम कर रही है वैसे ही नॉन स्टैटिक भी काम कर रही है, जैसे नॉन स्टैटिक कर रही है वैसे ही स्टैटिक कर रही है, बट एक ही मेथड गाइस, मतलब मेथड मेथड
स्टैटिक है तो वो अलग बिहेव कर रही है, अगर मेथड नॉन स्टैटिक है तो वो अलग बिहेव कर रही है, am I right? Everyone? Yes. स्टैटिक मेथड बाइंड कब हो रही है? स्टैटिक मेथड बाइंड कब हो रही है? कंपाइल टाइम पे. और नॉन स्टैटिक मेथड बाइंड कब हो रही है? रन टाइम पे. तो मेथड तो मेथड है बट दोनों का बिहेवियर डिफरेंट है, एक का रन टाइम पे बिहेवियर है, एक का कंपाइल टाइम पे बिहेवियर है. यस और नो? यस और नो? सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इंटरनली जावा में, जेवीएम में. इंटरनली इस तरीके से आपका मेथड वर्क करता है. सो लॉन्ग बैक बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि स्टैटिक और नॉन स्टैटिक मेथड में डिफरेंस क्या होता है. सो गाइस, अकॉर्डिंग टू द इंटरनल वर्किंग स्ट्रक्चर ऑफ जावा, आपका वर्किंग ये है. स्टैटिक मेथड का वर्किंग और नॉन स्टैटिक मेथड का वर्किंग क्लियर हुआ सबको गाइस? एवरीवन, हम स्टैटिक मेथड को स्टैटिक तरीके से ही क्यों कॉल करते हैं? बिकॉज स्टैटिक मेथड का बाइंडिंग कब होता है? स्टैटिक मेथड का बाइंडिंग टेक्स प्लेस एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन. नॉन स्टैटिक मेथड को ऑब्जेक्ट से ही कॉल क्यों करते? बिकॉज नॉन स्टैटिक मेथड का बाइंडिंग टेक्स प्लेस एट द टाइम ऑफ रन टाइम. ये कंफ्यूजन क्लियर है सबको गाइस? यस क्लियर है. जाओ मैं आगे. इफ यू डोंट हैव एनी मोर क्वेश्चंस, कैन वी गो टू द नेक्स्ट टॉपिक गाइस? नाउ द क्वेश्चन गाइस, अर्लियर क्वेश्चन जो हमने स्टार्ट किया था, द टॉपिक वॉज गाइस पॉलीमॉर्फिज्म. द टॉपिक वॉज पॉलीमॉर्फिज्म. पॉलीमॉर्फिज्म गाइस, पॉलीमॉर्फिज्म का मीनिंग क्या था? व्हाट इज द मीनिंग और व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म? सो जावा प्रॉपर्टी बिहेव्स डिफरेंटली. Java property behaves differently at different stages of program life cycle. Guys, आपके static method अलग time पे bind हो रहे, non-static method अगर अलग time पे bind हो रहे, तो ये program execution state में पहले compilation आता है, फिर execution आता है, फिर runtime आता है. तो एक ही property guys, similar property method आपकी एक property है. मेथड स्टैटिक अगर है तो वो अलग बिहेव कर रही है, नॉन स्टैटिक है तो अलग बिहेव कर रही है. तो जावा प्रॉपर्टी इज बिहेविंग डिफरेंटली एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन या फिर प्रोग्राम लाइफ साइकिल. कैन वी कॉल इट एज अ पॉलीमॉर्फिज्म? यस और नो एवरीवन? यस नो गाइस, मीनिंग क्लियर हो रहा है क्या सबको कि नहीं? एवरीवन, पॉलीमॉर्फिज्म जो है इसमें हम या फिर हमारा जो मेथड है सेम, इट इज आर जावा प्रॉपर्टी विच इज बिहेविंग डिफरेंटली एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोग्राम लाइफ साइकिल या फिर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन या फिर इट बिहेव्स डिफरेंटली एट डिफरेंट स्टेजेस. सो आई एम गोइंग टू कॉल इट एज अ पॉलीमॉर्फिज्म. डेफिनेशन क्लियर सबको गाइस? डेफिनेशन क्लियर? नाउ ये जो डेफिनेशन है गाइस, पॉलीमॉर्फिज्म दो टाइप के आते हैं. टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म्स. सो टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म दो टाइप के होते हैं. एक पॉलीमॉर्फिज्म होता है गाइस आपका कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. आपका कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है गाइस, फर्स्ट वन इज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और दूसरा होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. गाइस एवरीवन, पॉलीमॉर्फिज्म के देर आर टू टाइप्स. कौन से? कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. तो आप मुझे बताओ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में कौन सी मेथड आएगी? स्टैटिक आएगी कि नॉन स्टैटिक आएगी? स्टैटिक. और नॉन स्टैटिक मेथड कहां पर आएगी? रन टाइम. रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म पे आएगी. सो गाइस, इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? लेट्स डू इट गाइस. Let's simply do it. Okay, let me open a notepad. So guys, simply I'm going to differentiate two different things. मैं आपको compile time और runtime polymorphism को explain करूँगा. So let's say guys, first one is compile time polymorphism. तो compile time polymorphism का definition कैसे आएगा guys? Simple सा definition है, the binding which takes place at the
टाइम ऑफ कंपाइलेशन. द बाइंडिंग विच टेक्स प्लेस एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन इज कॉल्ड एज कंपाइल टाइम कंपाइल टाइम बाइंडिंग. कैन आई से इट लाइक दिस एवरीवन, यस और नो? कैन आई से द बाइंडिंग विच टेक्स प्लेस एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन इज कॉल्ड एज कंपाइल टाइम बाइंडिंग, यस और नो? बोल सकते हम लोग? Yes. बोल सकते yes. गाइस नाउ, सो स्टैटिक, ओके, स्टैटिक मेथड्स डिक्लेरेशन और आई कैन से गाइस स्टैटिक पुल एरिया एंड मेथड एरिया. तो गाइस स्टैटिक पुल एरिया में क्या होता है, व्हाट इज एग्जैक्टली स्टैटिक पुल एरिया आर एरिया इज डिजाइन फॉर? ये क्या कंटेन करता है? इट स्टोर्स डिक्लेरेशन ऑफ स्टैटिक मेथड्स का डिक्लेरेशन. एंड मेथड एरिया क्या कंटेन करता है? इट कंटेन्स द डेफिनेशन डेफिनेशन दोनों का, स्टैटिक का भी और इन शॉर्ट इट स्टोर्स स्टैटिक मेथड का डेफिनेशन एज वेल एज नॉन स्टैटिक मेथड का डेफिनेशन. करेक्ट. सो मेथड एरिया कंटेन्स द डेफिनेशंस ऑफ मेथड्स डेफिनेशन ऑफ मेथड्स. एम आई राइट एवरीवन? यस और नो? सो आपका स्टैटिक पुल एरिया दैट इज मेथड डिक्लेरेशन और डिक्लेरेशन ऑफ स्टैटिक मेथड एंड मेथड एरिया विच इज नथिंग बट डेफिनेशंस ऑफ मेथड. So your static pole area and method area are going to get binded at the time of compilation. That's the reason it is called as कंपाइल टाइम बाइंडिंग. क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ गाइस कि नहीं? ये सुनो, कंपाइल टाइम बाइंडिंग मैं इसको बोल सकता हूँ कि नहीं? एवरीवन, मेक सेंस और नॉट? अगर मैं रन टाइम बाइंडिंग की बात करूँ गाइस, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की बात करूँ, सो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म सिंपली गाइस, सो द बाइंडिंग विच टेक्स प्लेस एट द टाइम ऑफ रन टाइम, द बाइंडिंग विच टेक्स प्लेस एट द टाइम ऑफ रन टाइम the binding which takes place at the time of program execution is called as runtime binding. In short guys, आपका जो non-static method है, नॉन स्टैटिक मेथड का डिक्लेरेशन कहां पर रहेगा? हिप एरिया में. सो गाइस योर हिप एरिया दैट इज डिक्लेरेशन ऑफ योर नॉन स्टैटिक मेथड्स एंड मेथड एरिया व्हिच इज नथिंग बट डेफिनेशन ऑफ मेथड्स आर गोइंग टू गेट बाइंडेड at the time of program execution or you can say after object creation. Technically आप देखोगे तो object creation is the correct word. So the binding which takes place at the time of program execution or after the object creation, guys, ये binding after object creation होता है and that is the reason it is called as a runtime binding. इसको runtime binding क्यों बोला जाता है, समझा क्या guys? Yes or no? Guys, or we can say it is called as a compile time polymorphism. So it is called as a compile time polymorphism. And I can say this one is nothing but runtime polymorphism. तो compile time polymorphism और run time polymorphism का difference and definition clear हुआ guys? At least definition clear हुआ कि नहीं? Yes. Will you be able to explain this to the interviewer? Yes.
because this is going to be very favorite question of interviewer guys. So, I mean, I'm very sure about it. ये आएगा आपको. समझा गाइस डेफिनेशन, आपको डेफिनेशन क्या है ये समझा क्या दोनों का? एवरीवन ओके. सो गाइस इसको 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 स्टैटिक टाइम बाइंडिंग भी बोला जाता है. दिस इज कॉल्ड एज अ स्टैटिक बाइंडिंग एज वेल. इसको क्या बोला जाता है गाइस? स्टैटिक बाइंडिंग. क्यों स्टैटिक बाइंडिंग गाइस? क्योंकि ये बाइंड कब हो रहा है? एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन, इसीलिए इसको स्टैटिक बोला जाता है. और इसका बाइंडिंग गाइस रन टाइम पे होता है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? वी कैन कॉल इट एज अ डायनामिक बाइंडिंग. समझ रहा है गाइस कि नहीं? यस और नो गाइस, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं? यस. कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को मैं स्टैटिक बाइंडिंग बोल सकता हूं ना? कैसे स्टैटिक बाइंडिंग? क्योंकि मुझे, आप बताओ, मुझे प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने की जरूरत है क्या कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म करने के लिए? ये बाइंडिंग डिसाइड कब होता है? बाइंडिंग टेक्स प्लेस एट विच टाइम? एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन ओनली. प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है, बाइंडिंग हो गया. गाइस डोंट यू थिंक, आप मुझे एक बात बताओ, आप अलग अलग ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते क्या? ये बी क्लास का, कैन आई क्रिएट ओबीजे नाम का दूसरा ऑब्जेक्ट बना सकता हूं मैं कि नहीं बना सकता हूं? इज इट पॉसिबल और नॉट? सो एक ही क्लास का हम लोग मल्टीपल कॉपीज क्रिएट कर सकते हैं कि नहीं? यस. अच्छा मुझे आप बताओ, क्या मैं ऑब्जेक्ट, ये जो ओबीजे है, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू इन सारे नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल कर सकता हूं? इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? कर सकता हूं ना? तो गाइस जब तक ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा और जब तक ऑब्जेक्ट के थ्रू मेथड कॉल नहीं होगा, हम बोल सकते हैं कि हमारा बाइंडिंग हुआ है? बोल सकते हैं क्या? डेफिनेटली नहीं बोल सकते. तो दैट इज द रीजन हमें इसको क्या बोलना पड़ेगा गाइस? इट हैज टू बी कॉल्ड एज अ डायनामिक बाइंडिंग. क्लियर एवरीवन? यस और नो? ओके. जैसे इसको स्टैटिक बाइंडिंग बोलते हैं, इसको अर्ली बाइंडिंग भी बोला जाता है गाइस. अर्ली बाइंडिंग भी बोला जाता है. क्यों अर्ली बाइंडिंग? बिकॉज मेथड डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन गेट्स बाइंडेड एट द प्रोग्राम कंपाइलेशन. प्रोग्राम कंपाइलेशन पे ही आपका बाइंडिंग होता है. मेथड डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन गेट्स बाइंडेड एट द टाइम ऑफ प्रोग्राम कंपाइलेशन. क्लियर है? क्लियर है एवरीवन? यस और नो? यस और नो? अर्ली बाइंडिंग बिकॉज मेथड डिक्लेरेशन डेफिनेशन गेट्स बाइंडेड एट द टाइम ऑफ प्रोग्राम कंपाइलेशन. जैसे इसको अर्ली बाइंडिंग बोलते हैं, इसको लेट बाइंडिंग बोला जाता है. इट इज कॉल्ड एज अ लेट बाइंडिंग. क्यों? क्योंकि आपका मेथड डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन इज गोइंग टू गेट बाइंडेड एट द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, और आप ऐसे बोल सकते हो आफ्टर ऑब्जेक्ट क्रिएशन. यू गॉट इट एवरीवन? यस और नो? Yes. Just give me a minute, guys. So sorry, guys. Okay. सो ये पार्ट, डिफरेंस का पार्ट क्लियर है गाइस आपको? कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, इन दोनों का डिफरेंस क्लियर है क्या कि नहीं? अच्छा मेथड ओवरलोडिंग याद आ रहा है? मेथड ओवरलोडिंग याद आ रहा है गाइस गाइस आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओवरराइडिंग. मेथड ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग में हम एक ही नेम का मेथड्स बनाते हैं. यस और नो? एक ही क्लास में बनाते हैं, करेक्ट? मल्टीपल मेथड बनाते तब ऑब्जेक्ट रेफरेंस अलग अलग क्रिएट करते हैं, करेक्ट?
कि नहीं? जरूरत नहीं है गाइस, सिंपली जब हम लोग मेथड बनाते हैं मेथड का आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंट रखते हैं, मेथड नेम तो सेम होता है सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंट होता है, ये सुनो करेक्ट एवरीवन? सो योर मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरलोडिंग इज द एग्जांपल ऑफ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो हमने जो मेथड ओवरलोडिंग देखा था वो किसका एग्जांपल था गाइस? मेथड ओवरलोडिंग वाज एग्जांपल ऑफ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। स्पेशली गाइस कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में जो हम मेथड ओवरलोडिंग की बात कर रहे हैं, अगर मेथड ओवरलोडिंग स्टैटिक टाइप का है तो स्टैटिक टाइप के मेथड को हम क्लास रेफरेंस से कॉल करेंगे, करेक्ट? यस और नो? सो गाइस वहां पर बाइंडिंग कौन सा होगा? कंपाइल टाइम बाइंडिंग होगा, ओके? एंड गाइस आपका मेथड ओवरराइडिंग, मेथड ओवरराइडिंग स्टैटिक मेथड पे होता है ना कि नहीं? मेथड ओवरराइडिंग टेक्स प्लेस ऑन द स्टैटिक मेथड, ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि रॉन्ग है? स्टैटिक गाइस मेथड ओवरराइडिंग का लिमिटेशन मैंने समझाया था आपको, स्टैटिक मेथड हाइड होती है कि ओवरराइड होती है? बोलो मत गाइस, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। द प्रॉब्लम इज यू गाइस आर नॉट डूइंग द मॉक, यू गाइस आर नॉट डूइंग द प्रैक्टिस, इसीलिए हमें इस टॉपिक पे ज्यादा डिफिकल्टी आ रहा है। स्टार्ट डूइंग द मॉक गाइस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मेथड ओवर राइडिंग जो एग्जाम्पल है, ये मेथड ओवर राइडिंग है, ये स्टैटिक मेथड पे कभी नहीं हो सकता, याद है ना? मेथड ओवर राइडिंग सिर्फ और सिर्फ नॉन स्टैटिक मेथड पे ही हो सकता है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को याद करोगे, यहाँ पर भी वॉइड एडिशन मेथड है क्लास बी में, और सुपर क्लास जो है इसमें भी वॉइड एडिशन मेथड है। यहाँ पर भी स्टैटिक वॉइड डिवीजन है, बी क्लास में भी स्टैटिक वॉइड डिवीजन मेथड है। मुझे आप बताओ, नॉन स्टैटिक मेथड को ओवरराइडिंग का सिंबल आ रहा है, स्टैटिक मेथड को ओवरराइडिंग का सिंबल आ रहा है क्या? इंस्टेड गाइस यहाँ पर ब्लू कलर का सिंबल आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि आपकी सुपर क्लास की मेथड जो है, ये मेथड सब क्लास के मेथड के बैकग्राउंड में जाके हाइड हो चुकी है, क्लास बी को एक ही मेथड दिख रही है। समझ रहा सबको कि नहीं? यस और नो? यस सर। बट यस यस, एडिशन मेथड में वैसा नहीं है। एडिशन मेथड कौन सी है, स्टैटिक है कि नॉन स्टैटिक है? नॉन स्टैटिक है, और ओवरराइडिंग सिर्फ और सिर्फ नॉन स्टैटिक मेथड में होगा। तो आपका रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल कौन है? एग्जांपल इज मेथड ओवरराइडिंग। मेथड हाइडिंग एग्जांपल होगा क्या आपके रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का? कभी नहीं होगा गाइस, कभी नहीं होगा। गॉट इट? कोई कंफ्यूजन किसी को तो बता दो अभी, क्या ये डिफरेंस क्लियर है? कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ये डिफरेंस क्लियर है सबको? यस सर। इंटरव्यूअर का फेवरेट क्वेश्चन गाइस, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। इससे पहले आपको वो पूछेगा व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, तो व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म गाइस, व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म? सो सिंपली पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? The Java property starts behaving differently at different stages of program execution या फिर program life cycle। तो Java program के दो stages होते हैं, एक होता है compilation stage, एक होता है runtime stage या फिर execution stage या फिर run stage। So compilation और runtime stage guys। तो आपका compilation पे और runtime पे method differently behave करता है। सो योर जावा प्रॉपर्टी बिहेव्स डिफरेंटली एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोग्राम लाइफ साइकिल या फिर प्रोग्राम। सो दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का डेफिनेशन क्या होता है गाइस? कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इज अ टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म विच टेक्स और इन कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म binding takes place at the time of compile time. In short, your static pool area and your method area are going to get binded at the time of program compilation or at the time of compile
compile time or the time of compilation. That is the reason it is called as a compile time binding. Whereas your runtime binding is going to happen at the time of runtime. Runtime pe kaise? So your heap area and your method area are going to get binded at the time of program execution or after object creation. That is the reason it is called as a runtime binding. Compile time binding को static binding बोलो, early binding बोलो, ये इसके other words है. Runtime binding को late binding और dynamic binding बोलते हैं. क्यों late binding? Because आपका जब program execution होता है, जब object बनता है, object के बाद आपकी binding takes place होती है, आपकी binding बनती है, okay? So that is the reason it is called as a runtime binding or the late binding or the dynamic binding. Method overriding is the example of runtime binding. ये question आपको आएगा polymorphism. तो polymorphism का definition आपको बताना है और इसका differentiation करना है आपको. Clear? Everyone? I'm